हरियाणा सरकार की पहल, अगर कोरोना से गई जान तो बीपीएल परिवार को 2 लाख रुपए देगी सरकार, बीमा का प्रीमियम भी भरेगी। मुख्यमंत्री ने कहा 50 लाख परिवार योजना के दायरे में आने का अनुमान है। अभी तक के आंकड़ों के अनुसार बीपीएल परिवारों के करीब 1000 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। बीमा के लिए बीपीएल परिवारों को 31 मई तक बैंक जाकर फॉर्म भरना होगा। कोविड महामारी के बीच बीपीएल जो कि गरीबी रेखा से नीचे आते हैं उन परिवारों के लिए हरियाणा सरकार ने एक बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की कि बीपीएल परिवारों के 18 से 50 वर्ष के व्यक्ति की कोविड से मृत्यु होने पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए प्रीमियम भी सरकार देगी। यह पहल करने वाला हरियाणा पहला राज्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 50 लाख परिवार योजना के दायरे में आने का अनुमान है। अभी तक के आंकड़ों के अनुसार बीपीएल परिवारों के करीब 1000 लोगों की संक्रमण से मौत हुई। बीमा के लिए बीपीएल परिवारों को फॉर्म भरना होगा। अगर कोई फॉर्म नहीं भर सकेगा तो सरकार अपनी तरफ से 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। योजना के तहत प्रीमियम की पहली किस्त खाता धारक के जनधन खाते में होनी जरूरी है। जैसे ही उसके खाते से किस्त का प्रीमियम कटेगा सरकार की ओर से राशि का पुनर्भुगतान कर दिया जाएगा। यह योजना 18 से 50 वर्ष तक की आयु के लोगों के लिए है जिसका सालाना प्रीमियम 330 रुपए है। बीपीएल के पात्र परिवारों की इस योजना का प्रीमियम उनके खाते से कटने के बाद भविष्य में भी हर वर्ष उनके खाते में जमा करवाया जाता रहेगा। योजना के तहत प्रदेश के पात्र व्यक्ति की कोविड के अलावा किसी भी कारण से मृत्यु होने पर परिवार को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। ब्लैक फंगस पर भी स्वास्थ्य विभाग कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के कारण ब्लैक फंगस के मामले सामने आने पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्य करना शुरू कर दिया है। इस पर जल्दी काबू कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से अपील की है कि वह ठीकरी पहरा लगाएं और गांव के बाहर से आने वाले लोगों को होम आइसोलेशन में रखें। जिन गांवों से लोगों की आवाजाही ज्यादा हो रही है वह कोरोना के हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं, इसलिए गांव में बाहर से आने वाले लोगों पर भी कड़ी निगरानी रखना जरूरी है। पिछले साल कोरोना के दौरान ग्रामवासियों ने सख्त ठीकरी पहरा लगाया था और कोरोना को गांव में घुसने से रोक दिया। इस बार ऐसा नहीं हो रहा है जिसका परिमाण गांव में कोरोना फैलना हो रहा है। संकट की घड़ी में जो है सहयोग विपक्ष भी दिखाए। सीएम ने संकट के समय विपक्ष से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि मेडिकल जैसे पवित्र कार्य पर शंका करना ठीक नहीं, इसलिए लक्षण दिखने पर जांच अवश्य कराएं। यदि उनके संज्ञान में कोई समस्या एवं सुझाव आते हैं तो वे अपने ट्विटर हैंडल पर डाल सकते हैं। इस पर 24 घंटे रहती है और समस्या का तत्काल समाधान करवाया जाएगा।